से आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और अभी के बज रहे हैं 11। ये ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, मैंने सोचा नहीं बनाऊंगा ब्लॉग, पर मैंने सोचा फिर बना ही देता हूँ, क्योंकि कब से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है। और अभी तो घर पर बहुत सारा काम पड़ रखा है, शादी की तैयारी चल रही है, मैं कलर लगा रहा था तो सोचा मैंने थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, दिखाता हूँ आपको कितना मैंने कलर लगा रखा है अभी। तो दोस्तों इधर से मैंने पूरा कलर लगा रखा है, देख सकते हैं आप, जबकि हमने जब से हमारा मकान बना है तब से एक दो बार लगा होगा ऊपर इन पर कलर, बाकी अभी मैंने लगा रखा। और अभी इधर लगा रही हैं सीमा जी मेरी दीदी, इसकी शादी की तैयारी हो रही है, पूरा काम मेरे को करना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप क्या अच्छी पेंटिंग बना रखी मैंने, और ऊपर देख सकते हैं आप पूरा लगा दिया है। अभी कलर वलर, अभी चूना लगाना बाकी है और ये तो पूरा रेडी है हमारा, देख सकते हैं वाह क्या चमक रहा है। और यहाँ पर हमारी बकरी की बच्चे हैं 4 और एक लंगड़ा भाई है इधर। इस लंगड़ा भाई का पैर टूट रखा है, ये देख सकते हैं इसका पैर टूट रखा है। और दोस्तों पहाड़ में कुछ इस प्रकार का मौसम हो रहा है, देख सकते हैं आप। दोस्तों कैमरा भी बहुत साफ आ रहा है मेरा भी, देख सकते हैं आप कौन सा कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। देख सकते हैं आप कितना अच्छा आ रहा व्यू, ये प्यारे प्यारे फूल भी खिले मेरे घर के आगे। आजकल मैं कंटेंट भी नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी दादी तो है नहीं घर पर, दादी जी भी चली गई श्रीनगर बुआ के साथ, जिस दिन हम बिनसर गए थे उसी के दूसरे दिन मेरी दादी भी चली गई थी। तो अभी दादी के बिना थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है, मगर चलो आ जाएगी 2-3 दिन में, ये देखते हैं शादी को आती है, शादी को तो आएंगी मगर देखते हैं आपको बताते हैं फिर। चलो चलते हैं, थोड़ा कलर लगाना है, बाकी काम बहुत हो रखा है। तो दोस्तों अभी मैंने ब्रेक ले रखा है और अभी इधर बैठा हूँ मैं, थोड़ा मैंने सोचते माल्टे वाल्टे खा लेता हूँ कुछ, मगर इधर तो खाना भी नहीं बना रखा है। और सीमा ने बोला मैं मैगी लेने जाऊँगी और अभी आई नहीं मैगी लेकर के, मेरे को लग गई बहुत भयंकर भूख, अपना आप तो उसने दुकान में बिस्किट वगैरह खा लिया होगा और मैं इधर भूख से मर रहा हूँ। ऐसे बनूंगा मैं ब्लॉगर गाइज, अभी उसको बताता हूँ मैं, आने दो उसको घर ज़रा। तो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता होगा, कुछ जानकारी अगर पता होगी तो मेरे को बताना। तो दोस्तों अभी एक बात हो चुकी है हमारे साथ, मैं इस कॉलेज आ रहा हूँ कटिंग करने के लिए, चाचा ने मंगा रखा है कि इस कॉलेज आओ कटिंग करने के लिए, और ये बोल रही है हत्या हत्या लगे तेरे पे पूजा से मिकार रहनु जा इतनी पर पटी उड़ जाना ना का 2500 दिन भाई आ मुर्गी बच्चा हिसाब से दो तीन दिन है। तो दोस्तों मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से परेशान हो चुका हूँ, अगर आपको इसका हल मिले तो मेरे को तुरंत बता देना। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसने पूरा हमारे गांव वालों को परेशान करके रखा है, ये सुबह से लेकर शाम तक इन खेतों में ही रहता है, ये सुबह से लेकर शाम तक इन खेतों में ही रहता है, ये पता नहीं किसका है। गाइज आपके गांव में अगर आया हो तो बता देना, और किसी का है तो ये। तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी दुकान में हूँ, इधर पार्टी वार्टी चल रही है अभी चाचा लोगों की, तो मैं भी उस पार्टी में शामिल हूँ, देख सकते हैं आप, उसके बाद मिलते हैं आपको। लक्की भाई भी आ चुके हैं, देख सकते हैं उनकी गाड़ी, भैया जी भी आ गए ड्यूटी से। ओ दा आ तो दोस्तों इस ब्लॉग को इतने रखते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।